स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जन्माष्टमी के बाद अब बहुत जल्द आप दहियांडी का कार्यक्रम मनाते हुए सबको देखेंगे, जहां अक्षरा अभिमन्यु संग दोनों परिवार इस त्यौहार को खूब धूमधाम से मनाएगा। रूही तभी सबसे पूछेगी, आखिर दहियांडी में सिर्फ लड़के ही हांडी क्यों फोड़ सकते हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं फोड़ सकती? तब अक्षरा कहेगी, हाँ ये बात तो सही है, अब जब लड़के फोड़ सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं फोड़ सकती, अब की बार हम भी दहियांडी फोड़ेंगे। तभी अभिमन्यु कहेगा, अगर लड़कियां हांडी फोड़ेंगी तो उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। अक्षरा कहेगी, नहीं ऐसा नहीं है, अगर लड़कियां हांडियां फोड़ेंगी तो लड़के रोएंगे। बस फिर क्या था, अक्षरा के ऊपर चढ़ गया भूत हांडी फोड़ने का, इसलिए उसने कहा, चलो चलो अब हांडी लगाओ, क्योंकि एक साइड लड़के हांडी फोड़ेंगे दूसरी तरफ लड़कियां ऐसा करेंगी। कायरव कहता है, ठीक है थोड़ा सा नीचे हांडी लगा देना। तो अक्षरा कहेगी, नहीं नहीं लड़कियों की हांडी भी उतनी ही ऊंचाई पर लगनी चाहिए जितना लड़कों की लग रही है, हम किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं हैं। बस ये कहकर अक्षरा भी दहियांडी फोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी और तभी वो ऊपर चढ़ने लगेगी। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे अभिमन्यु की चीख निकल जाएगी। आखिर क्या होगा ऐसा? अजी होना क्या है, अभिमन्यु की एक्स धर्म पत्नी दहियांडी फोड़ते टाइम नीचे गिर जाएंगी क्योंकि उनका पैर स्लिप मारेगा। और बस इसी को देखकर अभिमन्यु की चीख निकल जाएगी। अक्षरा का पैर स्लिप क्या होगा, अभिमन्यु की चीख बड़ी तेजी से निकलेगी। अभिमन्यु से हम एक बात कहना चाहेंगे, आप अपना ध्यान रखिए, अक्षरा तो बहुत स्ट्रांग है, वो जिस तरह से गिरी है उस तरह खड़ी भी हो जाएगी। यही सब देखने को मिलेगा आपको आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करें।